है तो बहुत कंफ्यूजिंग ट्रेन है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके। पैक हो चुके हैं, ये बड़ा बैग है जिसमें सिर्फ मैंने रखे हैं सिर्फ अपने कपड़े वपड़े, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान नहीं है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है। एक बैग ये छोटा जो कि जिसमें मेरे गैजेट्स और लैपटॉप है। हम लोग जो ट्रैवल करते हैं उसमें बीच में एडिटिंग भी करनी होती है और साथ में मुझे ऑफिस का भी काम करना है। सुबह के बज रहे हैं अभी 3:30 बजे की हमारी ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से। अब कहाँ की ट्रेन है वो स्टेशन पे जाके बात करते हैं, ज्यादा यहाँ बात नहीं करते। 3:30 हो रहे हैं और मेरी ट्रेन है 4:30 बजे की और मैं जा रहा हूँ जैसलमेर। रास्ते में हूँ और हमारे विकास जी हमारे ड्राइवर साहब हैं जो कि टाइम पे आ गए। टिल द टाइम वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? थैंक यू भैया। ये खड़ी हमारी ट्रेन और ये ट्रेन बहुत कंफ्यूजिंग है। हमारी ट्रेन छूटते छूटते बच गई। एक्चुअली क्या है, जो हमारी ट्रेन है उसका नाम, दो नाम है, रानीखेत एक्सप्रेस और कॉर्बेट लिंक पार्क एक्सप्रेस। तो मैं कंफ्यूज हो गया और दोनों के ट्रेन नंबर अलग अलग है। तो बहुत कंफ्यूजिंग ट्रेन है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ये देखो, ये देखो भाप आ रहा है चश्मे के आगे। तो ये खड़ी है ट्रेन और मैं 10 मिनट पहले ही पहुँचा हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रहा था मेरी ट्रेन का है, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर है ट्रेन का नंबर है 2025014 और इसका नंबर है 15014 और दोनों सेम ही ट्रेन है, फिर अलग अलग क्यों दिखाते हैं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा यार। इतना कंफ्यूजिंग है और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये ट्रेन नंबर यार। दिस इज़ नॉट डन यार, मैं इतनी देर से धक्के खा रहा हूँ। देखो ठंड में पसीने आ गए। ये देखो ये खड़ी ट्रेन हमारी, मैं जा रहा हूँ दुबई, इंडिया के दुबई, इंडिया के में भी दुबई है मतलब जैसलमेर। बैग वहाँ पड़े हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरी ट्रेन खाली है इस वक्त। धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई सोया हुआ है। जब चुके अभी जयपुर और सुबह के 10:15 बज रहे हैं और रात को बहुत ठंड लग रही थी यार ट्रेन में। स्लीपर क्लास है ना तो ठंड तो ऑब्वियसली बात है कि लगेगी। और इसकी जो टिकट है मैं बता दूँ, टिकट जो इसकी पड़ी है वैसे नॉर्मल में जो थी जनरल में 400 कुछ रुपए की थी और अभी जो इसकी है वो 600 कुछ 15-20 रुपए की पड़ी है जो कि मैंने तत्काल में कराई है। जनरल में कराओगे 2-3 दिन पहले अगर सीट अवेलेबल होगी तो 400 कुछ की पड़ जाएगी आपको, मतलब नॉर्मल है यार। इतनी दूर का सफ़र है, 800 किलोमीटर के आसपास है और इसको टोटल लगेंगे 18 घंटे, मतलब 4:30 बजे सुबह वहाँ से चली थी और रात को 10:30 बजे एग्जैक्टली पहुँच जाएगी। मतलब 10:15 का टाइम है, मैं 10:30 लेके चल रहा हूँ कि 10-15 मिनट ऊपर नीचे होते रहती है, इंडियन रेलवेज है। तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। क्या नाम है भाई जान आपका? मोहम्मद फैजल। आपका? शराबाद अख्तर। आपका भाई जान? मैं खान। अच्छा, सबको मेरी तरफ से हेलो है, ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अजमेर शरीफ। अच्छा, अजमेर शरीफ दरगाह जी। अच्छा, हम तो जैसलमेर जा रहे हैं। दुबई वाली फीलिंग लेने का मन कर रहा था, दुबई जा रहे हैं। तो अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके, अभी चलते हैं आगे का सफ़र जारी करते हैं। अरे आपने नहीं इंट्रोडक्शन दिया, क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख भाई। शाहरुख जी? शाहरुख जी। अरे यार हाथ मिलाना पड़ेगा, शाहरुख खान है। आपका भाई जान? आप क्या कर रहे हैं? ये आलू के परांठे घर से लेके आए हैं, घर का नहीं है वैसे, है बाहर का लेकिन पैक करा लिया था, ट्रेन में कुछ अच्छा नहीं मिलता इसलिए। यहाँ पे ट्रेन की धुलाई चल रही है, वो देखो उधर भी धुलाई चल रही है, इधर भी धुलाई चल रही है। तो अजमेर शरीफ आने ही वाला है और उससे पहले हमारी ट्रेन खड़ी है और भाई लोग का भी स्टेशन आने वाला है, तो भाई लोगों को अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ठीक है भाई जान, अपना सही से दर्शन करो और दर्शन के साथ घूम भी लेना वहाँ पे आसपास, घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मैं घूम, लेक है, 2-3 लेक है। मंडवारिया छोटा सा कोई स्टेशन है, यहाँ पर रुक गई है ट्रेन, यहाँ मज़े ले रहे हैं। ट्रेन जर्नी का एक अपना अलग ही मज़ा है। तो शाहरुख भाई, ट्रेन में सफर करने का अपना अलग मजा है कि नहीं? मजा आता है, स्लीपर में ज्यादा मजा आता है। एसी में तो एक ही जगह बैठे रहो, स्लीपर में किसी से बात कर लो कुछ भी।
अजमेर स्टेशन, अजमेर आ चुका है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। और अंकल जी GoPro देख के ना बहुत इनको उत्सुकता हो रही थी कि इसके बारे में जानूं, तो मैंने अंकल जी को दिखाया और इनको अच्छा लगा। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में कुछ बताओ अंकल जी। बहुत अच्छा कल्चर जा रहा हूँ। वो तो अच्छा कल्चर है ही, मुझे पता ही है। तो इस टाइम अभी कैसा मौसम मिलेगा? मौसम अच्छा मिलेगा आपको। बढ़िया मौसम मिलेगा, शानदार। तो अंकल ने बोल दिया है बढ़िया मौसम मिलेगा, धूप वूप मिलेगी। सही, ठंड तो नहीं होगी अभी? नहीं, ठंड रात को होगी, रात को नहीं होगी। जैसलमेर का मौसम इस समय घूमने का बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, तो हमने इसीलिए इस मौसम को चुना है क्योंकि गर्मी में तो जा नहीं सकते जैसलमेर। जी जी, है ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू अंकल जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाम तो बता दो अंकल जी। मेरा नाम नेमाराम चौधरी। हाँ, नेमाराम चौधरी। नेमाराम चौधरी। जी जी जी। तो चौधरी जी हमारे, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। ऐसी ट्रैवल आप भी करते रहो और नए नए लोगों से मिलते रहो और नई नई चीज़ें, नए नए कल्चर को जानते रहो, ट्रैवल करते रहो। तो अभी ट्रेन आ गई है मारवाड़ जंक्शन पे और यहाँ पे खड़ी है और यहाँ आधे घंटे का ब्रेक है। हमने खाया कचौड़ी वगैरह, मतलब धूप जो है चुभ रही है, तीखी धूप है यहाँ पे। अरे राजस्थान है यार, गर्मी तो होगी ना, अब इसी के लिए तो आए हैं। देखो, जाने को मैं पहाड़ों पे भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, पहाड़ों पे बहुत घूम लिया, अब थोड़ा ना दुबई होके आते हैं, मतलब इंडिया वाला दुबई, रेगिस्तान। बाय बाय मारवाड़। बाय बाय भैया मारवाड़। ओके अंकल जी। यो ब्रो, हाउ आर यू? ये और भैया जी ठीक हो? नमस्कार। ठीक है सर। अभी आ गए हम जोधपुर स्टेशन और ट्रेन खड़ी है। ये है जोधपुर का स्टेशन और टाइम कुछ 4 या 5 बज गए हैं। टाइम देखा नहीं, एक्चुअली में अभी 4 या 5 बज गए। मैं टाइम देख के बता देता हूँ आपको, 5 बज गए, एग्जैक्ट 5, पूरे 5 बज गए हैं और जोधपुर हम पहुँच चुके हैं और अभी रह रहे हैं 5 घंटे और, यानी कि 5 सवा 5 घंटे, मतलब 10 सवा 10 तक पहुँच जाएगी उम्मीद है। देखो लेट भी हो जाएगी ट्रेन, क्या कर सकते हैं। और जोधपुर सिटी बहुत अच्छी लग रही है, कोई जोधपुर से है तो बताना कमेंट में। और ट्रेन भी पूरी खाली है, मतलब 2-4 जने ही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो शाम को बज, शाम के बज रहे हैं 6 के आसपास 6 नहीं 7। तो हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर और टाइम से पहले ही पहुंच गई है। ये देखो 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गई है टाइम से। बाहर चलते हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बाहर निकलते ही ऊँट खड़े होंगे, रेत होगा, मतलब पहली बार आया ना तो वैसा ही लग रहा है। आ चुके हैं बाहर और ऑटो लेते हैं हॉस्टल के लिए। हॉस्टल मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। पूछते हैं कितना पैसा लेगा 2 किलोमीटर का। ये देखो जैसलमेर का स्टेशन बाहर से हमने ले लिया ऑटो और हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और भैया ने हमसे 100 रुपये लिया, हालांकि 2 किलोमीटर है, 50 से ऊपर नहीं बनता है, बट भैया बता रहे हमें सवारी नहीं मिलेगी इस टाइम। बाकी क्या नाम होगा भैया जी आपका? घटसाराम। अच्छा, यहाँ ऊँट वगैरह नहीं दिख रहा कहीं? ऊँट नहीं दिख रहा कहीं? ऊँट सर यहाँ कहाँ है? रेत कहाँ पे है? रेत तो यहाँ 45 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो
ये मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे, और आपने वीडियो देख ली, अच्छी लगी है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और सपोर्ट करना, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए मैंने अपना मतलब लगभग बहुत कुछ छोड़ दिया है, जो कि मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है अभी, तो भाई पहली वीडियो है, ठीक है अपनी स्टोरी बता के भी क्या फ़ायदा, तो कभी फुर्सत में बनाएंगे। चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी हो, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। मैं ये वीडियो जो थी ये प्री रिकॉर्डेड थी, तो अभी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास, बहुत सारे अलग अलग प्लेस के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, हर जगह की वीडियो आएगी, तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, लव यू।